Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, how are you all? I hope you all are doing great. So guys, मैं अभी ready हुई हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगाने, तो आप लोग को भी ले चलूँगी, तो चलिए मेरे साथ. Guys, we have reached here but our turn hasn't come. So we are waiting here and the weather is really really hot guys. Guys, as you can see, there's a lot of crowd today. So we decided to put the vaccination on the next day. That's why we are returning back home. The next day. Back and I finally got vaccinated. I got the first dose of vaccination. Or second dose ke liye after 12 weeks we have to wait and then I'll get the second dose of vaccination. And I got the COVID shield one. Guys, आइए आप लोग को मैं अपना वैक्सीनेशन की पूरा स्टोरी समझाती हूँ. तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे वैक्सीन अपना कराने तो आप लोग को भी ये सब आइडिया रहेगा. हम लोग पहले गए और वहाँ पर आप लोग को जाने के बाद लाइन मेंटेन करके हम लोग को वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग टर्न नहीं आता. वैन आवर टर्न कम्स वी गो एंड गेट द वैक्सीनेशन. और आपको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप उसके बाद अपने घर जा सकते हैं. आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं. पता है कि इंजेक्शन को बहुत जन का फियर होता है, बट जस्ट थोड़ा सा पिंच होगा. आप लोग जैसा कि जानते हैं इंजेक्शन में कैसे होता है. और ये डरिएगा मत, डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो एक बार जाइए और आप लोग भी डरे भी ना ये वैक्सीनेशन ज़रूर लें, बिकॉज ये हम लोग का ही सेफ्टी के लिए है, हेल्थ के लिए है. तो हेल्थ से मजाक नहीं. और अभी तो मैं कुछ हो नहीं रहा, ये जस्ट यहाँ हल्का हल्का पेन है, भगभग टाइप का होते रह रहा है बीच बीच में. टेटनस लगने के बाद कैसा होता है गाइस, इट्स जस्ट सेम थिंग. तो आप लोग को भी जब जाएंगे तो अच्छा से इंजेक्शन ले लीजिएगा वैक्सीनेशन का. और एंड आई फाइनली गॉट वैक्सीनेटेड गाइस. अब गॉट वैक्सीनेटेड. और जब आ गई थी मैंने व्लॉग्स पॉज कर दिया था, बिकॉज आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया. मम्मा उस कंडीशन में भी मम्मा ने कुक किया, तो मैं अभी दिखाती हूँ मम्मा ने क्या बनाया. गाइस, इन टुडेज लंच वी हैव हियर वेज पुलाव एंड दिस इज चिकन झोल. And this one is dry chicken chili. And here is some salad. और मम्मा ने इतना टेस्टी खाना बनाया, उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करने लग गई. हम लोग सब रेस्ट किए. मम्मी और पापा को भी वैक्सीनेशन लग चुके हैं और मैं भी. भाई को नहीं लगा बिकॉज भाई इज़ अंडर 18. सो उसका भी जब टर्न आएगा मैं वो वाला भी आप लोग को दिखाऊँगी ज़रूर. और एंड गाइज, बिफोर गोइंग टू गेट द वैक्सीनेशन यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बिफोर गेटिंग द वैक्सीनेशन एंड आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन ऑल्सो, बिकॉज आपका बॉडी में हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. और फिर आप लोगों को एम्प्टी स्टोमक नहीं रहना है, यू हैव टू गेट द फुल. आप लोग पूरा पेट भर के खाना खाइए, नो डाइट एंड ऑल. आप लोग पूरा मतलब अपने आप को फुल स्टोमक करके जाइएगा मतलब वैक्सीनेशन लेने से पहले, बिकॉज बहुत जन का इम्यूनिटी पर डिपेंड होता है ये सब. तो बस इतना ही है. और अभी मैं आके ब्लॉग कंटिन्यू तो कर ही दी हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ. रीडिंग दिस बुक राइट नाउ एंड दिस इज सच एन ऑसम बुक एंड हियर आई एम हैविंग ओट्स.
अपडेट लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, और अभी मैं जब तक बुक रीड करती हूँ उसके बाद आप लोग को मैं फुल अपडेट देते रहूँगी बीच बीच में मेरा हाल क्या क्या हो रहा है। ये इंजेक्शन तो लग चुका है, तो इसके बाद आप लोग को बताते रहूँगी कि इसका क्या क्या मतलब इफ़ेक्ट्स होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। Guys, here are some products which mama had ordered from Purple, and now I'm going to unpack it and show you all. Guys, here we have ordered lip balm, cleansing milk, some lipstick and eyeliner. 3 days later. Hey guys, what's up? And I'm back from my post-vaccine hypertension. और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोग को। तो उस दिन मैंने अपना वीडियो जब एंड किया था, और आज मैंने हो रहा है थर्ड डे वैक्सीनेशन लगाए हुए, तो उस दिन का रात से लेकर अभी तक का मैं आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उस दिन रात को ऐसा हुआ, शाम से मैं जो वीडियो शूट करी थी उस टाइम तो हल्का हल्का पेन था बस, और रात को तो जैसे बोलते हैं कि पेन हमेशा हर दर्द बढ़ता ही है, रात को बहुत ही डेंजर पेन होने लग गया हेड में एंड ऑल ओवर द बॉडी, और उसके बाद शिवरिंग वाला फीवर स्टार्ट हो गया। मम्मी और मुझको दोनों ही, हम दोनों ने सेम डेट में वैक्सीन लगाया था, तो दोनों का ही सेम कंडीशन था, बहुत बुरा लग रहा था, हम एक दूसरे का केयर नहीं कर पा रहे थे हम लोग। बट पापा ने बहुत ही हेल्प किया, रात भर जगे हुए थे हम लोग के साथ, हम लोग नींद भी नहीं आ रहा था, एक्चुअली नींद आ ही नहीं रहा था गाइस। तो रात भर बहुत मुश्किल से कटी है, बट इसमें आप लोग मत डरिए, वैक्सीन में ऐसे ही होता है, लगाने के बाद इम्यूनिटी पर डिपेंड होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि आप लोग डर के नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद फिर जब सुबह हुई तो हम लोग को आराम मिला, फीवर ख़त्म हुआ, और उसके बाद बट सुबह हाथ पूरा पकड़ लिया हम लोग का, सुबह आपका फीवर सब ख़त्म हो जाएगा, हेडेक, बॉडी पेन भी ख़त्म हो जाएगा, बट हैंड का पेन बढ़ जाएगा। सेकेंड डे हैंड पेन बढ़ गया था हम लोग को बहुत ही डेंजर, हाथ मतलब भारी सा हो गया था एकदम, बहुत एक हो रहा था, ये एरिया तो और ही दर्द हो रहा था, बट ये इसका पेन आप फिगर मत करिएगा, रहेगा बहुत दिन रहेगा। मेरे पापा ने भी हम लोग से पहले वैक्सीन लगाया था, तो अभी भी उनका दर्द है, हम लोग का भी रहेगा, अभी ना जल्दी जाएगा ना बस यहाँ इंजेक्शन हम लोग का लग मेरा, इसलिए आज मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक है तो वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और बस इतना ही आप लोग को बोलना चाहूँगी, आप लोग भी बट ज़रूर लगाएं वैक्सीन, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैं भी 18 हो गई तो हम लोग का यहाँ पर भी वैक्सीन अवेलेबल हो गया, आप लोग भी ज़रूर लगाइए, डरने का कोई सवाल नहीं होता, ये आप लोग के हेल्थ के लिए है गाइस। एंड दैट्स वाज ऑल माय एक्सपीरियंस, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।